फ्रेंड्स, आज हम हमारे आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारे सर बताएंगे हमारे में कितने आर्टिफैक्ट्स होते हैं और उनको कैसे करेक्शन किया जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, पहले बताते हैं हमारे आर्टिफैक्ट बारे में। अगर सही, हमारे आर्टिफैक्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? हमारे आर्टिफैक्ट वैसे बहुत होते हैं, लेकिन अगर अपन देखे जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आर्टिफैक्ट जो होते हैं, छह आर्टिफैक्ट होते हैं। पहला कौन सा है? अपन पहले बात करते हैं एमआरआई घोस्ट आर्टिफैक्ट, घोस्ट के बारे में। घोस्ट आर्टिफैक्ट आप देख रहे हैं, ये जो इमेज के साइड में, ये पेशेंट के इलनेस होते हैं। सर एक्सप्लेन करेंगे हमारे इसके बारे में, बताएंगे। घोस्ट आर्टिफैक्ट या मोशन आर्टिफैक्ट है, इसको बोलते हैं घोस्ट आर्टिफैक्ट या मोशन आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं। ये पेशेंट के हिलने से, जैसे देखो इधर दिख रहा है ब्लर, यहाँ ब्लर दिख रहा है सर, ऐसा लग रहा है पूरा हिला डुला है, इमेज में क्लियर नहीं हो रही है। ये साइड में आ रहा है शेडो, ये साइड में आ रहा है शेडो, ये शेडो आता है जब पेशेंट मूवमेंट करता है, पेशेंट हिलता डुलता है तब ये आता है। तो ये इसको बोलते हैं घोस्ट या मोशन आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट सही कैसे होगा? तो ये आर्टिफैक्ट सही होगा, हम इसका सिक्वेंस ले लिया, हमें दिख गया कि ये घोस्ट आर्टिफैक्ट आ रहा है या मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है। हमने देखा तो हम पेशेंट को गए समझाया कि आप हिलो नहीं, आपकी जांच खराब हो रही है, और उनके साइड में, सिर के साइड में दो पैड लगा देंगे कि थोड़ा बहुत मूवमेंट पैड से कंट्रोल हो जाएगा, पैड लगा सकते हैं। और पेशेंट को समझाएंगे कि देखो हिलना नहीं है आपको, आप आराम से लेटो, जांच खराब हो रही है, ये है, इसको ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये घोस्ट आर्टिफैक्ट को। अब दूसरा है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है जी सर, एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। अब एलाइजिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है बताओ आप? एलाइजिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है बताइए आप? एलाइजिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है? एलाइजिंग आर्टिफैक्ट होता है जब हम पेशेंट को करते हैं सही तरह से, पेशेंट की पोजीशन नहीं करते, एमओबी ठीक नहीं रखते, अपन काट देते हैं जब रखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सर एक्सप्लेन करेंगे हमारे अच्छे से। ये देखो पोस्टीरियर साइड का, पोस्टीरियर साइड से ब्रेन कट के एंटीरियर साइड में आ रहा है। ये पोस्टीरियर साइड से जो ब्रेन है, ये कट के यहाँ एंटीरियर साइड में आ रहा है ये ब्रेन, इसको हम बोलेंगे एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। ये एलाइजिंग आर्टिफैक्ट है, ये देखो पीछे से कट के आगे आ रहा है, कभी कभी ये आगे से पार्ट कट के पीछे आता है, जैसे कभी कभी ये आगे से पार्ट कट के पीछे आता है, तो फिर ऊपर से कट के नीचे आ गया, तो उसको भी हम बोलते हैं एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो, देखो ये यहाँ से कट के यहाँ आ रहा है, पीछे से कट के ऊपर आ रहा है, ये देखो ये है ऊपर से कट के यहाँ इधर आ रहा है, इधर से कट के इधर आ रहा है, इसको भी बोलते हैं एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। जैसे देखो यहाँ से यहाँ कट गया है, ये इमेज कट रही ना, इमेज कट रहा है, ये इमेज कट के ये इधर उसके ऊपर आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, इसको एलाइजिंग आर्टिफैक्ट देंगे। अब इसको देखो इसका सोल्यूशन क्या है एलाइजिंग आर्टिफैक्ट का, ये देखो यहाँ पे एफओबी बढ़ा सकते हैं, इसका एफओबी बढ़ा के अगर हम लेंगे तो ये आर्टिफैक्ट ऑटोमेटिक हट जाएगा। दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये पहले इतना था सर, पहले इसी एफओबी में था, हाँ, तो उसके बाद अपने बढ़ाया थी, पहले एफओबी बढ़ा के, पहले जब ये इसी एफओबी में था तो ये एलाइजिंग आर्टिफैक्ट आ रहे थे, ये कट के इधर से कट के साइड में आ रहा था, ऊपर नीचे आ रहा था, जैसे देखो इधर से कट के ऊपर नीचे आ रहा था, जैसे ये है। ओके समझ गया सर, हाँ, ये इधर से कट के ऊपर नीचे आ रहा है जी, दिख रहा है ना, अब ये इतना इतनी एफओबी में कट के ऊपर नीचे आ रहा था, अब ये एफओबी पूरा हमने खोल दिया, जब इसका एफओबी बढ़ा दिया इतना, तो ये एलाइजिंग आर्टिफैक्ट चला गया, ये एलाइजिंग आर्टिफैक्ट ऑटोमेटिक अपनी इमेज क्लियर हो गई, अपनी इमेज पूरी मतलब पूरे एफओबी में आ जाएगा, कि ये आर्टिफैक्ट नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं एलाइजिंग आर्टिफैक्ट। मोस्ट कॉमन ब्रेन में मतलब लोकलाइजर में हमारे में मिल ही जाता है। और तीसरा आर्टिफैक्ट आपको बताऊंगा मैं, तीसरा आर्टिफैक्ट मेटेलिक आर्टिफैक्ट। अभी मैं बताता हूँ ये आर्टिफैक्ट दिखता कैसा है, मेटेलिक आर्टिफैक्ट। अब इस आर्टिफैक्ट के बारे में बताऊंगा आपको, ये देखो मेटेलिक इम्प्लांट होता है, तो मेटेलिक इम्प्लांट वाला आर्टिफैक्ट है ये। अभी आर्टिफैक्ट के बारे में, ये देखो मेटेलिक इम्प्लांट डला है, जैसे यहाँ नोज में कुछ पढ़ना है, माथे में बिंदी लगाई होगी तो ऐसे आता है, ये देखो ऐसे माथे बिंदी या ये नकली दांत वगैरह है, नकली दांत हो तो ये आता है। अगर आपने मतलब फॉरेन बॉडी है ये, तो अगर वैसी ही है, अगर वैसी भी कुछ है, बिंदी लगा है, कान में कुछ पहना है, मेटल का है या कुछ गले में है, तो भी ऐसी ही आर्टिफैक्ट आएगा। मेटेलिक जो आर्टिफैक्ट आता है
वो पूरा उसके सराउंडिंग जितने भी सराउंडिंग एरिया है वो सब ब्लैक आएगा, एकदम ब्लैक दिखेगा, हमारा एकदम ब्लैक दिखेगा। उसके सराउंडिंग जितनी भी मतलब उसके फ्रीक्वेंसी में जितनी भी एरिया आएंगे उसके पास में, उसकी फ्रीक्वेंसी में उसके पास में जितने भी एरिया आएंगे सब एकदम ब्लैक दिखेंगे। ये मेटेलिक आर्टिफैक्ट होता है, इसके आसपास जो भी एरिया है सब ब्लैक दिखेंगे, ये है मेटेलिक आर्टिफैक्ट। अब देखो ये मेटेलिक आर्टिफैक्ट इम्प्लांट वाला है, इसे इसमें देखो नकली दांत लगे हैं, ये नकली दांत लगे हैं, ये आर्टिफैक्ट है, ये मेटेलिक आर्टिफैक्ट है, ये मेटेलिक आर्टिफैक्ट है। देखो ये मेटेलिक आर्टिफैक्ट को देखो हटा कह सकते हैं। अब देखो इम्प्लांट वाला है, जो इम्प्लांट लगे हुए हैं इसमें, जैसे इसमें इम्प्लांट लगे हुए हैं, तो ये इम्प्लांट वाले में हम क्या कर सकते हैं, इसको इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है इम्प्लांट वाले में अगर फिक्स इम्प्लांट है तो, अब तो जो है नॉर्मली फिक्स इम्प्लांट वाले में नहीं आता इतना आर्टिफैक्ट, थोड़ा बहुत आता होता है, फिक्स इम्प्लांट वाले को हम कुछ नहीं कर सकते, जो फिक्स वाले इम्प्लांट है उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम निकाल भी नहीं सकते। और अब जो अब जो भी आते हैं फिक्स वाले इम्प्लांट तो इतना आर्टिफैक्ट नहीं देते हैं। और जैसे अब बॉडी के अंदर नहीं है, बिंदी लगाया है, कान में कुछ पड़ना है, गले में कुछ पड़ना है, उसको हमें देखना पड़ेगा जाके, अगर पेशेंट ने कुछ लगाया है तो इंटरनल जो इंटरनल भी तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अपन, एक्सटर्नल जो होता है उसको अपन हटा सकते हैं, एक्सटर्नल को हटा सकते हैं जाके देखेंगे। अगर ऐसे कभी कभी नहीं समझ पा रहे यार क्या आ रहा है, तो उसको अपने पास मेटल डिटेक्टर है, डिटेक्टर से भी चेक कर सकते हैं, डिटेक्टर से भी चेक करके देख लेंगे। ये है मेटेलिक आर्टिफैक्ट, देखते हैं अगला नेक्स्ट। ये देखो सीटी में कैसा दिखता है, ये देखो सिटी में मेटेलिक आर्टिफैक्ट सिटी में देखो कैसे चमक रहा है, इसके सराउंडिंग कैसे चमक रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ कांच का टुकड़ा है, इतना चमक रहा है लाइट में, ऐसे देख रहा हूँ ना सिटी, ये सिटी की इमेज में ऐसे ही चमकता है मेटेलिक आर्टिफैक्ट। सिटी में तो बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे, सिटी में तो बहुत सारे ऐसे इम्प्लांट है, सिटी में कुछ इम्प्लांट है। अब मैं आपको बताऊंगा चौथा आर्टिफैक्ट, जीपर आर्टिफैक्ट, जीपर आर्टिफैक्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जीपर आर्टिफैक्ट देखो, जीपर आर्टिफैक्ट आता क्यों है, कैसा आता है जीपर आर्टिफैक्ट, देखो ये तो बहुत बेकार है, बहुत गिलंदी है, ये तो बहुत ज्यादा ही आर्टिफैक्ट है जीपर का। ये कभी कभी जीपर आर्टिफैक्ट बहुत हल्का फुल्का भी आता है, ऐसा नहीं कि ऐसे आता है, बहुत हल्का फुल्का आता है, ये लाइनिंग, ये जो इतना ग्रेनी है, इतना ग्रेनी नहीं होता, मतलब इमेज शो होते रहते हैं, इमेज दिखते रहते हैं, लेकिन हल्का हल्का लाइन ऐसे करके बहुत लाइटली रहता है, ऐसे ऐसे करके लाइन चलता रहता है, तो बहुत ही ज्यादा है कि इमेज हम पहचान नहीं पा रहे हैं जीपर आर्टिफैक्ट। और कभी कभी जीपर आर्टिफैक्ट ऐसा आता है कि मतलब ऐसा है कि रिपोर्टेबल होता है, कोऑपरेटिव होता है, रिपोर्टेबल होता है, कोऑपरेट कर सकते हैं। सर इस किस वजह से आता है, थोड़ा बहुत बताते हैं इसके बारे में, ये थोड़ा बहुत ऐसा आता, ये तो ज्यादा है, देखो ये आरएफ जो आरएफ कॉइल हम लगाते हैं, या तो कॉइल कनेक्शन सही ना हो, कॉइल को फ्रिक्वेंसी सही ना मिल रहा हो, कॉइल को फ्रिक्वेंसी सही नहीं मिल रहा, या तो अंदर से कॉइल कनेक्शन सही ना हुआ हो, सही ना हो, या तो आरएफ कहीं से कुछ लीक हो, आरएफ कहीं से लीक हो, या तो इसका फ्रिक्वेंसी सही ना हो, जब ये आपस में फ्रिक्वेंसी सही नहीं होता, फ्रिक्वेंसी सही नहीं मैच करता आरएफ कॉइल का, तो इमेज नहीं देता सही, तो उसी हिसाब से फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पाती, अगर फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी तो ये आर्टिफैक्ट आएगा जीपर आर्टिफैक्ट। तो हमें जाके देखना पड़ेगा, क्या पता कॉइल में कॉइल ढीली लगी हो, कॉइल सही तरीके से ना लगी हो, वो सब ये सब चीज हमें जाके देखनी पड़ेगी, कॉइल में कुछ फंसा हो उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रिजोल्व कर सकते हैं। ओके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रॉस आर्टिफैक्ट होता है, क्रॉस एक्सटेंशन आर्टिफैक्ट, या तो बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन या क्रॉस स्लाइस आर्टिफैक्ट भी बोल सकते हैं इसको। एक्सटेंशन आर्टिफैक्ट या तो क्रॉस स्लाइस आर्टिफैक्ट भी बोल सकते हैं। देखो अपन को ये नहीं समझना है कि किताब में कैसे लिखा है, अपन को ये नहीं जान पढ़ना है किताब में कैसे लिखा है, अपन को ये समझना है कि हमें समझ में कैसा आता है, समझ में कैसा हमें जो लैंग्वेज समझ में आएगा हम वही पढ़ेंगे। किताब में जो लैंग्वेज लिखा है वो हमें समझ नहीं आता तो हम अपने इजी लैंग्वेज में समझेंगे। देखो बहुत है क्रॉस एक्सटेंशन आर्टिफैक्ट, आधे लोग तो बोल नहीं पाएंगे क्रॉस एक्सटेंशन आर्टिफैक्ट, और प्लस समझ नहीं आएगा अगर हमने बोल दिया क्रॉस स्लाइस आर्टिफैक्ट, स्लाइस से ही समझ जाएंगे, स्लाइस एक दूसरे क्रॉस कर रही होगी ऐसा कुछ होगा तभी आर्टिफैक्ट है, मतलब एक दूसरे स्लाइस ओवरलैप कर रही होगी, क्रॉस कर रही होगी, तो ऐसा आर्टिफैक्ट आएगा। क्योंकि ऐसे ये दिख रहा है क्रॉस स्लाइस ओवरलैप का, देखो देखो यहाँ देखो पहले एक दूसरे को स्लाइस ओवरलैप कर रही है, देखिए अपन आर्टिफैक्ट आ रहा है, तो जैसे सर यही है ना आर्टिफैक्ट, ये आर्टिफैक्ट है ब्लैक, ये ब्लैक ऐसे ये स्लाइस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो ये इसलिए ये स्लाइस ओवरलैप कर रही है, ये इसका आर्टिफैक्ट है। ओके ये उसका आर्टिफैक्ट है, यानी कि सही प्लानिंग नहीं हुई है, प्लानिंग सही हुई है। देखो कभी कभी ऐसा होता है
कि ये हमें डिस्कवर करना होता है. तो डिस्कवर करेंगे तो हमें एंगल तो देना पड़ेगा, स्लाइस में एंगल देना पड़ेगा. अब स्लाइस में एंगल देंगे स्लाइस पीछे एक दूसरे से टकराएगी पोस्टीरियर साइड में, तो अवस्थी बात है टकराएगी. तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जितना इसके डिस्क के हिसाब से तो हम अगर नहीं देंगे एंगल तो कवर तो नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं हो पाएगा, पैथोलॉजी भी तो नहीं कवर कर पाएंगे. तो इस हिसाब से हम एंगल देंगे, अगर हम पैथोलॉजी कवर करेंगे तो फिर ये तो कॉमन सी बात है कि क्रॉस स्लाइस वाला ओवर आर्टिफैक्ट तो आना ही आना है. क्योंकि हमें ये डिस्क भी दिखाना है, डिस्क की पैथोलॉजी भी लेना है, डिस्क की पैथोलॉजी के साथ साथ कवर भी तो करनी है, डिस्क की पैथोलॉजी के साथ कवर भी करनी है. तो हमें ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, कुछ भी कर लो. फोन उठा, जोमेटो वाला बाहर खड़ा है भाई. इसलिए हम देखो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, शिफ्ट आर्टिफैक्ट, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट. ठीक है, अभी केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट क्या होता है, जैसे कभी कभी हम एमआरआई करते हैं तो कभी कोई लीजन ऐसे आ गया, ठीक है, वो ऐसा लीजन जिसमें एडिमा फ्लूड हो, ठीक है, फ्लूड हो या कुछ ट्यूमर टाइप मास हो. देखो और जब लीजन आएगा, देखो जैसे ये फ्रीक्वेंसी, वो अपनी अलग फ्रीक्वेंसी देगा. जैसे देखो ये वाटर आ गया, ये आप समझ लो ये वाटर है, ये जो ब्लू है ये वाटर है. हाँ, उसके सराउंडिंग देखो ये ओवरलैप कर रहा है व्हाइट कलर, मतलब ये वाटर जो है इसका जो सिग्नल है इसके ये इस सिग्नल की वजह से ये व्हाइट जो ओवरलैप हो रहा है, ये जो ओवरलैप हो रहा है ये व्हाइट कलर का, ये आर्टिफैक्ट है. क्यों अपना सिग्नल इंटेंसिटी दे रहा है तो ये आसपास के एरिया में ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, वो ओवरलैप कर रहा है. देखो जैसे इधर ये सिग्नल व्हाइट कर रहा है, ये मतलब ये सिग्नल यहाँ से हट रहा है, ये सिग्नल यहाँ से हट रहा है ब्लैक हो रहा है. और जो वो अपनी डेंसिटी देगा, जो वाटर अपनी डेंसिटी देगा तो उसके आसपास के थोड़े बहुत एरिया में अलग डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी अलग इतनी बड़ी डेंसिटी ये अलग दे रहा है तो उसके आसपास के एरिया में थोड़ी बहुत अलग डेंसिटी हो जाती है. हाँ, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट. देखो जैसे ये किडनी हो गई, ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक ये आर्टिफैक्ट है, ये ब्लैक, क्योंकि ये इसका जो डेंसिटी है इसके हिसाब से ये डेंसिटी को ओवरलैप कर रहा है, ये ब्लैक जा रहा है, ये जो ब्लैक जा रहा है इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट. इसको अगर हम इसको जैसे हमें इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन जिससे हम अपने नेक्स्ट ईयर टी इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है नेक्स्ट ईयर टी को इसको एडजस्ट करके हम इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं. इसमें लिखा भी है फ्रीक्वेंसी इनकाउंटिंग लिखा है, देख रहा ना, इस ये फ्रीक्वेंसी की वजह से आता है क्योंकि अपना ओवर ये वाटर है, ये खुद अपना फ्रीक्वेंसी है तो खुद ही ओवरलैप करेगा आसपास के एरिया को. हाँ, ये अलग फ्रीक्वेंसी देगा, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना, थोड़ा बहुत तो होगा ये, क्योंकि इसी आर्टिफैक्ट आ रहा है इसकी, ये है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, ये थोड़ा बहुत अपना फ्रीक्वेंसी देगा क्योंकि ये इतना बड़ा वाटर है, ये अपना फ्रीक्वेंसी अलग अपना वो दे रहा है, वहां जाए केमिकल तो अलग है, उसके आसपास केमिकल जो शिफ्ट होंगे थोड़ा बहुत इसलिए आती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे नेक्स्ट ईयर टी को एडजस्ट करके इसको कर सकते हैं. ओके, बाकी मैं आपको और आगे का अगर जानना है तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. और इतने ही सारे ये जो जितने इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल तो और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है. चलते हैं, चलते कुछ खाते हैं, अब आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ.